और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं TVS APACHE RTR 160 का बजाज पल्सर 150 UG5 से। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग की रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूं। तो दोस्तों, कंपैरिजन का मेन पॉइंट है बाइक का लुक्स और बॉडी डिज़ाइन। TVS APACHE RTR 160 का लुक्स पल्सर 150 UG5 से ज़्यादा स्पोर्टी दिखता है, क्योंकि RTR 160 में आपको मस्कुलर टैंक मिलता है विथ शार्प एज एक्सटेंशन, जो बाइक को काफ़ी अच्छा स्पोर्टी लुक देते हैं। यही बात की जाए पल्सर 150 UG5 की, तो इसका लुक्स APACHE RTR 160 से उतना अच्छा नहीं दिखता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में पल्सर 150 में काफ़ी अच्छे चेंजेस किए गए हैं। स्टाइलिश ग्राफिक्स इसमें आपको मिल जाता है और पल्सर 150 का एरोडायनामिक बॉडी डिज़ाइन RTR 160 से काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, ब्रेकिंग सिस्टम दोनों ही बाइक का काफ़ी अच्छा है। इन दोनों में ही आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है और RTR 160 में दोस्तों आपको पेटल डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। दोस्तों, पेटल डिस्क ब्रेक्स राउंड डिस्क ब्रेक से काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि जो अनयूजुअल हीट क्रिएट होती है वो राउंड डिस्क के मुकाबले पेटल डिस्क में बहुत ही कम होती है। बाकी पल्सर 150 UG5 में भी आपको बहुत ही अच्छा ब्रेकिंग सेंसर मिलता है रेयर व्हील में। इसमें आपको RLP सेंसर मिलता है, मतलब रेयर लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन। तो दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि जब भी आप बाइक को थोड़े स्पीड में राइड कर रहे हो और अगर आप अचानक से आगे का ब्रेक दबा देते हो, तो जो अनयूजुअल स्टॉपी क्रिएट होने वाली होती है तो वो स्पीड सेंसर कैच कर लेता है और बाइक को स्टॉपी होने से बचा लेता है। दोनों ही बाइक्स के इंजन पावर के बारे में बात किया जाए तो बजाज पल्सर 150 में आपको मिलता है 149cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वाल्व ट्विन स्पार्क DTSI एयर कूल्ड कार्बोरेटर इंजन, जिसमें आपको 14 PS एट 8000 RPM की पावर मिलती है। यही बात की जाए TVS APACHE RTR 160 के इंजन पावर के बारे में, तो इसमें आपको मिलता है 159.7cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SI एयर कूल्ड कार्बोरेटर इंजन, जिसमें आपको मिलता है 15.12 PS एट 8500 RPM का पावर। तो दोस्तों, RTR 160 का इंजन पावर पल्सर 150 के मुकाबले 1.12 BHP ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों APACHE 160cc के सेगमेंट की बाइक है और बजाज पल्सर 150cc के सेगमेंट की बाइक है। इसलिए 10cc ज़्यादा होने के कारण APACHE का इंजन पावर 1.12 BHP पल्सर 150 के मुकाबले ज़्यादा है। बाकी दोस्तों, पल्सर का एरोडायनामिक बॉडी डिज़ाइन होने के साथ साथ इसमें आपको इंजन वाइब्रेशन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि पल्सर का इंजन काफ़ी फ्रीली वर्क करता है। लेकिन दोस्तों, RTR 160 में आपको काफ़ी वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। जब भी आप अप्रॉक्स 70-80 की स्पीड पर RTR 160 को राइड करोगे तो बाइक का इंजन काफ़ी ज़ोरों से वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण बाइक की बॉडी काफ़ी वाइब्रेट होती है और हैंडल में भी काफ़ी वाइब्रेशन होता है, और यहाँ तक कि पिलियन फुट पैड्स में भी वाइब्रेशन फील होता है। दोस्तों, मैं इसको इतनी बारीकी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी APACHE RTR 160 है और मेरी APACHE में भी ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि आपकी APACHE में वाइब्रेशन होता है या नहीं। दोस्तों, APACHE में आपको फ्रंट में 35x35 वॉट का हेलोजन बल्ब मिलता है और कॉर्नर्स पर आपको LED DRLs मिलते हैं, जो नाइट में आपकी बाइक को डेविल टाइप लुक देने में हेल्प कराते हैं। बजाज पल्सर 150 में भी आपको सेम 35x35 वॉट का DC ऑपरेटेड हेलोजन बल्ब मिलता है और कॉर्नर्स पर आपको बल्ब पायलट लैंप्स मिलते हैं। दोस्तों, अगर दोनों ही बाइक्स के हेलोजन बल्ब की ब्राइटनेस के बारे में बात किया जाए तो इस मामले में RTR 160 का हेलोजन बल्ब थोड़ा पुअर है, सिटी राइडिंग के लिए काफ़ी सही है। लेकिन अगर आप नाइट राइडिंग करते हो या फिर हाईवे पर नाइट में बाइक को राइड करते हो तो RTR के हेलोजन बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती है। इसके लिए आपको अलग से दूसरा वाला हेलोजन बल्ब लगवाना पड़ता है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए पल्सर 150 के हेलोजन बल्ब की ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ब्राइट हेडलैम्प पल्सर 150 में लगाया गया है, तो आपको हाईवे में और नाइट में हेलोजन बल्ब की ब्राइटनेस को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, इनकी प्राइस के बारे में बात किया जाए
दोस्तों अपाचे आरटीआर 160 का प्राइस है 1,06,000 ऑन रोड दिल्ली और बजाज पल्सर 150 UG5 का प्राइस है 1,01,000 ऑन रोड दिल्ली। तो दोस्तों अपाचे आरटीआर 160 का प्राइस पल्सर 150 के मुकाबले 5,000 रुपये ज़्यादा है। अगर माइलेज के बारे में बात किया जाए तो TVS APACHE RTR 160 से आप कम 40 टू 45 तक का माइलेज गेन कर सकते हो और पल्सर 150 से आप कम 45 टू 50 तक का माइलेज गेन कर सकते हो। बाकी दोस्तों ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप किस तरीके से अपनी बाइक का मेंटेनेंस रख रहे हो। बाकी दोस्तों अगर इन दोनों बाइक्स के वेरियंट के बारे में बात किया जाए तो बजाज पल्सर 150 में आपको दो वेरियंट मिल जाते हैं, एक डुअल डिस्क और एक डुअल डिस्क विथ ABS जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, और अपाचे RTR 160 में आपको बहुत सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं जैसे कि RTR 160 विथ डिस्क, RTR 160 डुअल डिस्क, RTR 160 सिंगल डिस्क विथ ABS और RTR 160 डुअल डिस्क विथ ABS। तो इसमें आपको कलर्स के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। तो RTR 160 में आपको ये चार वेरिएंट्स मिलते हैं और पल्सर 150 में आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि लॉन्ग हाइटेड और शॉर्ट हाइटेड लोगों के लिए कौन सी बाइक अच्छी रहेगी। दोस्तों अगर आप RTR 160 ले रहे हो तो आपकी हाइट कम से कम 5.2 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 5.2 से कम रही तो आपके पैर ज़मीन को कुछ इस तरीके से टच कर पाएंगे जैसे कि आप यह स्क्रीन पर देख रहे हो, और अगर आपकी हाइट 5.2 से ऊपर है तो आप कंफर्टेबल ज़मीन पर पैर रख पाओगे। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि शॉर्ट हाइटेड पीपल इसको ना ही ले तो अच्छा है। बाकी अगर आपको बाइक अच्छी लगती है तो आप इसको ज़रूर लें। लेकिन यहाँ बात किया जाए कि पल्सर 150 के लिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो अगर आपकी हाइट 5 फीट से कम है तो आपके पैर ज़मीन को कुछ इस तरीके से टच कर पाएंगे, और अगर आपकी हाइट 5 फीट से ऊपर है तो आप कंफर्टेबली ज़मीन पर पैर रख पाओगे। बाकी दोस्तों पल्सर को तो शॉर्ट हाइटेड लोगों के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। दोनों ही बाइक्स के सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो पल्सर 150 UG5 में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक विथ एंटी फ्रिक्शन बुश सस्पेंशन मिलता है और रेयर में ट्विन सस्पेंशन विथ नाइट्रॉक्स शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है। RTR 160 में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक विथ हाइड्रोलिक डंपर सस्पेंशन मिलता है और रेयर में मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड शॉक स्प्रिंग एड ट्विन सस्पेंशन मिलता है। तो दोस्तों दोनों ही बाइक में आपको ट्विन सस्पेंशन मिलता है, मोनो सस्पेंशन इसमें आपको नहीं मिलता है। मोनो सस्पेंशन आपको RTR 160 4V में मिलता है। दोस्तों टायर्स के बारे में बात किया जाए तो अपाचे में आपको फ्रंट में 90x90 का टायर साइज मिलता है विद 17 इंचेस व्हील साइज, और रेयर में आपको 110x80 का टायर साइज मिलता है विद 17 इंचेस व्हील साइज, और इसमें आपको दोनों ही टायर्स ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको 12 लीटर्स की मिलती है। पल्सर 150 के टायर साइजेस के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको फ्रंट में 90x90 का टायर साइज मिलता है विद 17 इंचेस व्हील साइज, और रेयर में आपको 120x80 का टायर साइज मिलता है विद 17 इंचेस व्हील साइज, और इसमें भी आपको दोनों टायर ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। और दोस्तों इसमें आपको अभी तक का सबसे ज़्यादा फ्यूल कैपेसिटी वाला टैंक मिलता है। इसमें आपको 15 लीटर्स का टैंक मिलता है जिससे अगर आप लॉन्ग राइडिंग भी कर रहे हो तो आपको बार बार पेट्रोल भरवाने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों ही बाइक्स के सीट कंफर्ट के बारे में बात किया जाए तो RTR 160 में आपको यूनिबॉडी सिंगल सीट मिलती है और पल्सर 150 UG5 में आपको स्प्लिटेड सीट मिलती है। दोस्तों RTR 160 की सीट की कुशनिंग और फैब्रिक की क्वालिटी पल्सर 150 के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। अगर आप RTR 160 को लगातार 2 से 3 घंटे राइड करते हो तो आपको सीट को लेकर कोई भी पेनिंग नहीं होगी, लेकिन अगर आप पल्सर 150 को लेकर इतना राइड करोगे तो आपको सीट के मामले में थोड़ा बहुत पेनिंग शुरू हो जाएगा क्योंकि पल्सर की सीट थोड़ी हार्ड है। तो दोस्तों आज के लिए हमारी वीडियो में इस बाइक के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसको शेयर कर दीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं आप लोगों के रोजाना ऐसी ही वीडियोस लाते रहता हूं। और दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट है रिलेटेड टू बजाज पल्सर 150 UG5 और अपाचे RTR 160 से तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक्स।